हेलो एवरीवन, आज मैं अगेन एक न्यू थाई बियर सीरीज़ पेड गाय माई बॉस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज़ एक बॉस और उसके असिस्टेंट की लव स्टोरी होने वाली है एंड इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी के स्टार्ट में हमें एक बॉय को दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी मग को लेकर जल्दी जल्दी जा रहा था और वह टाइम को चेक भी कर रहा था। और ये हमारी कहानी का फर्स्ट मेन कैरेक्टर पाथ है जो कि अपने बॉस के लिए कॉफ़ी लेकर जा रहा था क्योंकि उसके बॉस को टाइम में डिले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हमें उसके बॉस को दिखाया जाता है जो कि हमारी कहानी का सेकेंड मेन कैरेक्टर है जिसका नाम एलिस है। एलिस अपने ऑफिस आकर बस वो उसकी तरफ ही देख रहा था। कुछ ही देर में वहाँ पर पाथ आ जाता है। एलिस उससे कहता है तुम 10 सेकेंड लेट हो। यह सुनकर पाथ बस नर्वसली स्माइल कर देता है। एलिस कॉफ़ी लेते हुए कहता है बट फिर भी कॉफ़ी अभी तक गर्म है। एंड फिर वह कॉफ़ी मग को देखता है जिस पर स्टेन लगा हुआ था। वह उससे कहता है तुम वर्क पर लेट आए हो और कप पर भी स्टेन लगा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हाउसकीपर को मेरे डेस्क से दूर रखना। मुझे डिसऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर ये सब फिर से हुआ तो फिर तुम्हें HR को बुलाना होगा। यह सुनकर पाथ थोड़ा सा डर जाता है। एलिस उसके पास आते हुए कहता है एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, डोंट कॉल मी बॉस बिकॉज आई डोंट लाइक। यह कहते हुए वह निकल जाता है और पाथ बस अपना सर हाँ में नोट कर देता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाथ फिर से अपने बॉस के लिए कॉफ़ी लेकर जा रहा था। एलिस ऑफिस के अंदर आता है और वह पाथ को टच करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही एलिस उसे टच करता है पाथ के माइंड में कुछ मेमोरीज प्लेस होने लगती है लेकिन फिर वह इग्नोर करता है। और फिर वह बॉस से पूछता है आपको पेट दर्द है क्या। इस पर एलिस कहता है तुम्हें कैसे पता। पाथ कहता है मीटिंग में जाने से पहले हमेशा आपको ऐसा ही होता है। और फिर वह एलिस को मेडिसिन देता है लेकिन एलिस पाथ को वैसे पकड़कर उसे अपने क्लोज खींच लेता है। और इसके साथ पाथ के माइंड में फिर से कुछ मेमोरीज प्लेस होने लगती है। एलिस उससे कहता है जब भी मैं तुम्हारे क्लोज होता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता है तो इसका इलाज क्या हो सकता है। यह सुनकर पाथ सोचने लगता है इसी की वजह से तो सब कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एलिस को एक क्लाइंट के साथ दिखाते हैं जो कि हाई प्राइस देने के लिए मना कर रहा था। तो एलिस उससे कहता है कि वह इस बारे में एक बार फिर से रिकंसिडर करेगा। तो वह क्लाइंट कहता है कि मेरे पास और भी कंपनीज हैं। और तभी पाथ के पास एक कंपनी से कॉल आता है। वह एलिस को बताता है 911 कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपसे बात करना चाहती है। एलिस वहाँ से जाते हुए उस क्लाइंट से कहता है आपको भी पता होना चाहिए मैं सिर्फ आपके साथ ही डील नहीं करता। और फिर वह पाथ से पूछता है कि मेरा आगे का शेड्यूल क्या है। पाथ कहता है आपको नाइट में मिस गिफ्ट के साथ डिनर करना है। एलिस कहता है मैं उसके साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं आज किम के साथ डिनर करने वाला हूँ। तो फिर पाथ को गिफ्ट से मिलने के लिए जाना पड़ता है। गिफ्ट उससे पूछती है कि एलिस क्यों नहीं आया। पाथ कहता है उनकी एक अपॉइंटमेंट है और वो आपको वेट नहीं करवाना चाहती। गिफ्ट कहती है लेकिन उसने मेरे साथ डिनर करने के लिए कहा था। पाथ कहता है आप जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती है मैं पे कर दूंगा। लेकिन गिफ्ट को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पाथ एलिस के लिए उसका फेवरेट सुशी ऑर्डर करता है। दूसरी तरफ एलिस वह तो किम के साथ अपनी एक्टिविटी में बिजी था। उनकी एक्टिविटी के बाद किम एलिस से खाने के लिए कहता है लेकिन एलिस उससे कहता है कि उसे भूख नहीं है और उसे किसी से मिलने के लिए जाना है। यह कहते हुए वह वहाँ से जाने लगता है लेकिन किम उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वह उसके चेस पर किस कर देता है। तो बस एलिस उसकी तरफ देखते हुए वहाँ से निकल जाता है। बात एलिस का वेट कर रहा था। एलिस उसके पास आते हुए उससे गिफ्ट के बारे में पूछता है। तो बात उससे कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज होकर घर चली गई है और मैंने आपका फेवरेट फूड ऑर्डर किया है। यह सुनकर एलिस उससे कहता है थैंक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। एंड तुम्हारा क्या तुमने खाना खा लिया है। बात कहता है हाँ मैंने ऑलरेडी डिनर कर लिया है लेकिन क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। प्लीज़ दोबारा मुझे ऐसे किसी के पास मत भेज देना यह सब मुझे सर दर्द देता है। इस पर एलिस कहता है क्या तुम मेरे साथ भी नहीं जाना चाहते।
इस पर बात करता है, अगर हर दिन ऐसे ही जाने लगे तो फिर मुझे वर्क करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और फिर वह एलिस को उसके घर लेकर आ जाता है। वह जाने लगता है तभी कुछ बुक्स नीचे गिर जाती है, तो पात उन्हें अरेंज करके चला जाता है। उसके जाने के बाद एलिस एक बुक को देखता है जिसके अंदर एक कपल का फोटो था, और उसे देखने के बाद वह किम को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं किम और एलिस दोनों डिनर कर रहे थे। किम एलिस से पूछता है, हम दोनों तो बस अभी अभी मिले हैं, तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया? इस पर एलिस कहता है, मैं बस किसी के साथ डिनर करना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहते? यह सुनकर किम उससे कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ डिनर क्यों नहीं करूँगा। एलिस काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था तो किम उसे ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए मना करता है, लेकिन एलिस उससे कहता है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? इस पर किम उससे कहता है, हाँ मैंने तुमसे प्यार किया है। एलिस कहता है, तुम जानते हो मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। इस पर किम कहता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? एलिस कहता है, प्लीज़ तुम उस बारे में अब बात मत करना। किम कहता है, तुम्हें मौन हो जाना चाहिए और एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। एलिस कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। किम कहता है, और किसके साथ कर रहे हो? एलिस कुछ नहीं कहता और बस वह विंडो की तरफ दिखता है जहाँ से उसे कार भी बात नज़र आ रहा था। पास सोचने लग जाता है जहाँ पर एलिस ने उससे पूछा था, तुम्हें मेरे प्राइवेट शेड्यूल को अरेंज करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पात कहता है, नहीं बॉस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेरा वर्क ही है, और अगर मैं आपके प्राइवेट शेड्यूल को अरेंज नहीं करूँगा तो इससे आपके वर्क शेड्यूल पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और फिर से मुझे सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। एलिस कहता है, अगर तुम कुछ फील नहीं करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पात कहता है, अगर मैं आपके लिए फील भी करूँगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एलिस कहता है, अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे लिए फिर किसी को ढूंढना होगा। पात यही सब सोच रहा था तभी वह किम को एलिस को लाते हुए देखता है, तो वह भी उसकी हेल्प करता है और फिर वह एलिस को उसके घर लेकर आता है। वह उसके पास बैठता है और वह सोते हुए एलिस को देख रहा था, लेकिन तभी एलिस नींद में पात को अपने क्लोज खींच लेता है और वह उससे कहता है, प्लीज़ मेरे साथ रह जाओ। और यह सब कहते हुए वह फिर से सो जाता है। यह सब देखकर पात स्माइल करता है और फिर वह वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पात एक रेस्टोरेंट आता है और वहाँ पर कुछ ही देर में उसके दोनों फ्रेंड भी आ जाते हैं, और जिस अंदाज से वो दोनों आ रहे थे उन्हें देखकर तो पात और वेटर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। पात उनसे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों आओगे। क्रिएटर कहता है, वेक्टर और मैं हम दोनों आ चुके हैं, क्योंकि जब भी तुम डाउन फील करते हो हम दोनों को तो तुम्हारे पास आना ही पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो जाओ कि तुम स्ट्रेस की वजह से मारी जाओ। पात कहता है, हाँ मैं अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। इस पर क्रिएटर पूछता है, क्या तुम किसी को लाइक करते हो? पात कहता है, मुझे नहीं पता और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। यह सुनकर क्रिएटर कहता है, तुम किसे लाइक करते हो? पात कहता है, तुम दोनों जाना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं बताऊंगा। यह सुनकर क्रिएटर कहता है, ओ तुमने तो हमें ना बताकर हमारा दिल ही तोड़ दिया। पात कहता है, मेरा दिल तो ऑलरेडी टूट चुका है। यह सुनकर दोनों फ्रेंड ही पात के लव में फेल होने की वजह से उसे टीच करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पात जब एलिस के पास जाता है तो एलिस उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। पात उसे बताता है कि लास्ट नाइट को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एलिस कहता है, क्या मैंने कुछ अजीब चीज़ें तो नहीं बोल दी? पात कहता है, नहीं आप बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, मिस्टर किम आपको लेकर आए थे और उसके बाद मैं आपको घर लेकर आ गया, लेकिन आप इतने ज़्यादा ड्रिंक क्यों करते हैं? एलिस कहता है, बस ओल्ड मेमोरीज को भुलाने के लिए। और वैसे क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर करोगे? यह सुनकर फिर पात ओके कह देता है। नाइट में जब ये दोनों डिनर के लिए आते हैं तो एलिस पात से पूछता है, लास्ट टाइम हम दोनों ने साथ मिलकर डिनर कब किया था? पात कहता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। एलिस कहता है, तब तो हम दोनों को साथ मिलकर डेली डिनर करना चाहिए। पात कहता है, अब हमारा वर्क सेटल हो चुका है तो हम लोग पहले की तरह वर्क करते हुए डिनर नहीं कर सकते। एलिस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ये सब करना ही होगा क्योंकि हम दोनों को साथ मिलकर हमारे बिजनेस को एक्सपेंड भी करना है। तभी पात के पास कॉल आ जाता है तो एलिस फोन को बंद करने के लिए कहता है और कहता है, मैं रिलैक्स होकर डिनर करना चाहता हूँ। पात पूछता है, क्या आज भी आपको किसी के साथ डिनर करना है?
एलिस कहता है अगर ऐसा होता तो फिर मैं तुम्हें इनवाइट क्यों करता। लेकिन तभी वहाँ पर किम आ जाता है और वह एलिस से कहता है कल तुमने मेरे साथ डिनर के लिए कहा था। यह सुनकर एलिस शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो यह सब बिल्कुल भी याद नहीं था। बात को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी वह वहाँ से उठकर चला जाता है और जाते हुए वह एलिस से कहता है मैं कार में आपका वेट कर रहा हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और फिर वह सेट होकर कार में आकर बैठ जाता है लेकिन एलिस वह भी उसके पीछे आ जाता है। और जब वह पात को सेट देखता है तो वह उससे कहता है क्या तुम मेरी वजह से अपसेट हो। लेकिन पात उससे कहता है क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ। एलिस को पता चल जाता है कि पात कोई बात नहीं करना चाहता तो वह हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे एलिस पात से बताता है कि आज शाम को उसे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए क्योंकि वह होटल में किम से मिलने वाला है। पात फिर से सेड हो जाता है और वह लंच के लिए अपने दोनों फ्रेंड को बुला लेता है। क्रेटर उससे कहता है तुमने हमें अपनी कंपनी में इनवाइट किया है क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। इस पर पात उससे कहता है मैंने बस तुम दोनों को यहाँ पर खाने के लिए बुलाया है तो यह सब पूछना बंद करो। इस पर क्रेटर कहता है हे इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तुम ठीक तो है ना। यह सुनकर पात कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्रेटर कहता है अच्छी बात है कि तुम ठीक हो तो क्या हम तुम्हारे बॉस के बारे में फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तुम्हारे बॉस का तो इतना बड़ा घर है तो फिर वह हमेशा ही यहाँ पर होटल में आकर वो सब क्यों करता है। इस पर बात उससे कहता है मिस्टर एलिस एक इंट्रोवर्ट पर्सन है और कोई उनके घर जाए ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रिएटर कहता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच और मिस्टीरियस पर्सन है। बात कहता है तुम उनके मामले से दूर रहो और ये बताओ कि तुम लोग वर्क पर कब जाने वाले हो। क्रिएटर कहता है तो हमारा लंच होने के बाद तुम हमें भगा रहे हो। बात कहता है ऐसी कोई बात नहीं है मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे वर्क का टाइम क्या है। इस पर वेक्स्टर कहता है क्यों क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना। बात कहता है मैं अभी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपनी जॉब को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन वहाँ खड़ा एलिस यह सब बातें सुन लेता है जिसके वजह से वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो वह पात को ले जाने के लिए रेस्टोरेंट में कोई अच्छा सा फूड सर्च करता है और उसके बाद नाइट में वह पात को डिनर के लिए लेकर जाता है। पात उससे कहता है क्या मिस्टर किम यहाँ पर आने वाले हैं। इस पर एलिस कहता है नहीं मैंने उसे मना कर दिया है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। इस पर पात कहता है लेकिन किस लिए। एलिस कहता है मेरा बेस्ट एम्प्लॉय के लिए तुमने पूरे साल पर काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट वर्क किया है इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। लेकिन जब पात डिनर में सी फूड को देखता है तो वह एलिस को बताता है कि उसे सी फूड से एलर्जी है। यह सुनकर एलिस पर तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पात अपने घर पर था और वह बस एलिस के फोटो को ही देख रहा था। उसे देखते हुए वह सोचने लगता है जहाँ पर पात एलिस के लिए फूड लेकर जाता है और उससे कहता है आप दिन भर से मीटिंग में थे इसलिए आपने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है आपको भूख लगी है इसलिए आपने दो डिशेज ऑर्डर की है ना। यह सुनकर एलिस एक प्लेट उसकी तरफ बढ़ा देता है लेकिन पात कहता है कि उसे भूख नहीं लगी। लेकिन तभी उसका पेट रंबल करने लगता है। यह सुनकर एलिस उससे कहता है तुम्हारा पेट ट्रम्बलिंग कर रहा है एंड मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खाने के लिए फोर्स करूं इसलिए प्लीज़ खा लो। यह सुनकर फिर पात भी खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एलिस अपने एक एम्प्लॉय को वर्क में गड़बड़ करने की वजह से उसे काफ़ी डांट रहा था लेकिन वह एम्प्लॉय पात का नाम ले लेता है। तो एलिस उससे कहता है अगर तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें अपनी सैलरी पात को ही दे देनी चाहिए। यह सुनकर वह एम्प्लॉय चुप हो जाता है और पात अपने बॉस को पहली बार इतना गुस्से में देखता है। यही सब सोचते हुए वह स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट डे पात जब एलिस के पास जाता है तो एलिस उसे एक दिन का डे ऑफ देता है। पात कहता है लेकिन आज का शेड्यूल तो बहुत ही बिजी है तो आप मुझे डे ऑफ कैसे दे सकते हैं। एलिस कहता है तुम्हारा काम मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है एंड मैं तुम्हें एक दिन का डे ऑफ दे रहा हूँ एंड तुम्हें काम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है वो मैं हैंडल कर लूँगा। बात कहता है बॉस क्या आप श्योर हो। एलिस कहता है अगर तुम अभी नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँगा। यह सुनकर बात कहता है ठीक है लेकिन किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद बात एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ पर वह अपने लिए केक ऑर्डर करता है और जब वह उस केक को खाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो फिर वह एलिस के लिए भी वही केक ऑर्डर कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जब वह एलिस के पास केक लेकर आता है तो एलिस उससे कहता है क्या तुम्हें ड्यूप नहीं लेना। इस पर बात कहता है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है इसलिए बस मैं आपके लिए लेकर आ गया। और वैसे काम कैसे चल रहा है। एलिस कहता है अच्छा है मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है। लेकिन बात को यकीन नहीं होता तो फाइल को देखने लग जाता है। एलिस उससे कहता है क्या हुआ तुम क्या सोच रहे हो। बात कहता है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। एलिस कहता है तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है। बात कहता है तो आप मेरे चेहरे की तरफ देखे क्यों रहे हैं। एलिस कहता है क्या आज रात को तुम फ्री हो। बात कहता है आप अभी भी मुझे जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं आखिरकार आप मुझसे चाहते क्या हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट आ जाते हैं। बात कहता है क्या कुछ हुआ है क्योंकि ये तो बिल्कुल अनयूजुअल है। एलिस कहता है तुमने ड्यूप क्यों नहीं लिया। बात कहता है आप अकेले काम करते रहे और मैं रेस्ट करूँ ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। एलिस कहता है हम दोनों ने लंबे वक्त से रेस्ट नहीं किया है। बात कहता है नॉर्मली तो हम लोग खाना खाते वक्त भी बस वर्क की ही बातें करते हैं लेकिन फिर भी ये फनी होता है। इसके बाद फेसबुक का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर एलिस को फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में वो दोनों पार्टी कर रहे थे। बात कहता है आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट साइन किया है तो आप कितने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। एलिस कहता है जब तक तुम थक ना जाओ। इस पर बात कहता है तब तो आपको 100 प्रोजेक्ट करने होंगे और अगर आपने ऐसा कर लिया तो हमारी कंपनी वो स्टॉक मार्केट में आ जाएंगी। एलिस कहता है हाँ यही तो हमारा गोल है। बात कहता है क्या हमारा। एलिस कहता है हाँ हमारा। और ये सब सोचते हुए वो लोग डिनर के बाद आ जाते हैं। बात कहता है अभी भी बिलीव नहीं होता हम दोनों ने जैसा प्लान किया था वो सब हो रहा है। एलिस कहता है तुम्हारे बिना मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। बात कहता है लेकिन आज तो आपने मेरे बिना ही सब कुछ वर्क कर लिया है। इस पर एलिस कहता है जब भी तुम मेरे पास नहीं होती तो मैं सब कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। इस पर बात कहता है इसका मतलब आप मेरे बिना भी सब कुछ कर लेते हैं तो फिर आप मुझे जॉब क्यों नहीं छोड़ने दे रहे। एलिस कहता है मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। बात कहता है आपको पता होना चाहिए आपका कंप्यूटर मेरी गूगल आईडी से लॉगिन है एंड मुझे पता है आपने उसमें क्या सर्च किया था। आप बिना किसी रीजन के तो रेस्टोरेंट में जगह बुक नहीं करेंगे ना। यह सुनकर एलिस उसे कुछ नहीं कहता। बात कहता है मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं छोड़ूंगा सो डोंट वरी। एलिस कहता है लेकिन मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। बात कहता है तो कब तक आप मुझे अपने पास रखेंगे। एलिस उसके क्लोज आते हुए कहता है हमेशा के लिए और ये कहते हुए वह उसे किस कर लेता है और यहीं पे एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आपको एपिसोड 1 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।